तो दोस्तों क्या आप जानते हैं शेड्यूल लगाना, टाइम लगाना अपने वीडियो में, तो अपने वीडियो को टाइम लगाकर कैसे अपलोड करते हैं, जो कि अगर आपको आज टाइम है, अगर आज आप 4 वीडियो बना लिए हैं, आप सोच रहे हैं कि कल परसों नरसों आपको वीडियो अपलोड करना है, आपके पास टाइम नहीं है, तो उसके लिए कैसे आप टाइम लगा सकते हैं, टाइम आप कैसे लगाएंगे और कैसे आप वीडियो अपलोड करेंगे कल परसों नरसों, तो आप लोग चलिए इस वीडियो को देख लीजिए, एकदम आराम से देखिएगा और अभी इस वीडियो में शुरू से एंड तक जरूर बनेगा, तभी आपको पूरा का पूरा वीडियो समझ में आएगा। जी हाँ दोस्तों, कैसे इसको हम टाइम लगाते हैं। तो दोस्तों आप सबका इस वीडियो में स्वागत है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देने वाला है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, आप लोग अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन कीजिए। क्रोम ब्राउजर को ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, youtube.com यहाँ पे सर्च करना है। उसके बाद सर्च करने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 डॉट, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे देख रहे हैं डेस्कटॉप साइट, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद से आपका जो मोबाइल फोन है वो लैपटॉप की तरफ यहाँ पे खुल जाएगा। उसके बाद से खुलने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद से आपको थोड़ा जूम करना है। उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं अपलोड वीडियो, इस पर थोड़ा छुए रखना है। उसी के बाद से आप उस पर क्लिक किए रहेंगे। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे ओपन इन न्यू टैब इन ग्रुप, इस पर क्लिक कर देना। उसके बाद आप देख रहे हैं मेरा बगल में यहाँ पे यूट्यूब आ चुका है। उसके बाद से यहाँ पे कंटिन्यू स्टूडियो, इस पर क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद आपका YT स्टूडियो खुल जाएगा यहाँ पे ब्राउजर में। ब्राउजर से मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। उसके बाद से यहाँ पे खुलने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे अपलोड दे देगा यहाँ पे सिलेक्ट फाइल। यहाँ पे सिलेक्ट फाइल मैं कर लेता हूँ। उसके बाद सेलेक्ट फाइल करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद से आपको क्या करना है, यहाँ पे देख रहे हैं मैं इसी को अपलोड करने वाला हूँ, इसी वीडियो को। उसके बाद से आप अभी देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग जो कि मेरे वीडियो में ऑटोमेटिक टाइटल आ चुका है, मैं पहले से ही लगा चुका हूँ। तो मैं यहाँ पे लगाता ना हूँ, मुझे लगाना नहीं पड़ता है टाइटल कि मैं यहाँ पे लगाऊंगा तो इस तरह उस तरह। तो मैं ऑटोमेटिक यहाँ पे लगा दिया हूँ, ऑटोमेटिक यहाँ पे टाइटल मेरा आ जाता है, ठीक है। उसके बाद से आप चाहें तो आप भी लगा सकते हैं। उसके बाद से मैं वीडियो को यहाँ से अपलोड कर देता हूँ। उसके बाद से आपको मैं दिखाऊंगा यहाँ पे टैग वगैरह भी यहाँ पे लगा सकते हैं। उसके बाद से आपको क्या करना है, यहाँ पे नो इट्स नॉट मेड फॉर काइट्स यहाँ पे लगा देना है, जो कि यहाँ पे 18 साल के नीचे और 18 साल के ऊपर सारे के सारे लोग यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो को। उसके बाद सो मोर यहाँ पे कर देंगे। उसके बाद से करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद से हम अपने वीडियो में सिर्फ एक ही टाइटल डालेंगे, जो कि पबजी मोबाइल लाइट, ठीक है। उसके बाद से इसको डाल देने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और टैग डालेंगे, ठीक है, पबजी लाइट गेम प्ले। इसके बाद से हम यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं जो कि मेरा वीडियो चेकिंग भी हो चुका है। उसके बाद से मेरा वीडियो यहाँ पे 100% अपलोडिंग भी हो चुका है। उसके बाद से मैं यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ, नेक्स्ट कर दीजिए। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद से मैं ऐड नहीं करने वाला हूँ। उसके बाद से यहाँ पे नेक्स्ट करने वाला हूँ। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरा यहाँ पे कॉपीराइट नो इशू फाउंड, ठीक है, कॉपीराइट इस पर नहीं आएगा अब। उसके बाद से मेरा चेकिंग हो चुका है, मैं इसमें कुछ भी यूज नहीं किया हूँ। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद आप दे रहे हैं पब्लिश करना, ठीक है। तो उसके बाद से आप पब्लिश पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद आप देख रहे हैं नीचे जो कि शेड्यूल पे क्लिक कर देंगे। शेड्यूल पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आप चाहते हैं कल 10 बजे अपलोड करना वीडियो, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे जो कि डेट यहाँ पे लगा देना है। कल कितनी तारीख है, कल 10 तारीख है, ठीक है, 10। उसके बाद यहाँ पे 10 पे क्लिक कर देना। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे नीचे जो कि यहाँ पे 00 है, ठीक है, इस पर क्लिक कर देना। उसके बाद क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आप कब चाहते हैं वीडियो को अपलोड करना, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कल 4 बजे सुबह में मेरा वीडियो अपलोड हो जाए, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ 4 बजे। उसके बाद से 4 बजे राइट, उसके बाद से मेरा यहाँ पे टाइमर लग चुका है। मैं चाहता हूँ कल 4 बजे 10 तारीख को 4 बजे सुबह मेरा वीडियो अपलोड हो जाए, क्योंकि मेरे पास टाइम तो है नहीं, कल मैं सुबह उठ नहीं पाऊंगा, तो मैं इसीलिए टाइमर लगा चुका हूँ। उसके बाद से आपको क्या करना है, यहाँ पे पब्लिश कर देना है, ठीक है, शेड्यूल यहाँ पे लगा देना। उसके बाद से मेरा पब्लिश हो जाएगा, कल सुबह 4 बजे अपलोड हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि मैं इस तरह का वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास तुरंत ही पहुंच जाए और आप लोग तुरंत ही सीख लो, जो आपको नहीं मालूम है तुरंत ही आप लोग जान लो, ठीक है। मैं आपको YT स्टूडियो में चलकर दिखा देने वाला हूँ कि क्या मेरा वीडियो कल अपलोड होगा, मैं आपको यहीं पर दिखाने वाला हूँ, ठीक है। आप लोग यहाँ से एकदम आराम से देख सकते हैं ताकि मेरा वीडियो कल कब बजे अपलोड होने वाला है। आप देख रहे हैं यहाँ पे 10 जुलाई 2021 यहाँ पे 4 AM पर मेरा वीडियो कल अपलोड हो जाने वाला है, ठीक है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना। तो चलिए फिर से अगले वीडियो मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।